अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कम से कम, जैसे कि आपने 3 HP का बताया, तो कम से कम और मैक्सिमम कितने तक इन्वेस्टमेंट आपके पास है मसाले की मशीन में अगर बात करें तो? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों आप जैसा बैकग्राउंड देख करके ही समझ गए होंगे कि मशीनों का जखीरा कहा जाने वाला बिहार में गोकुल बिजनेस सॉल्यूशन में एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं, और इस बार एक नई मशीन के बारे में आपको बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं। नई मशीन के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, लाइव डेमो लेकर के भी हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं जब भी मैं आता हूँ हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको डेमो ही दिखाऊँ। छोटी मशीन हो, बड़ी मशीन हो, सिंगल फेज की हो, 3 फेज की हो, यहाँ पे वो आपको सारी सुविधाएं मिलती है जो आपको बिहार में मुझे नहीं लगता कि हर जगह पे या फिर कहीं और मिलता होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली मसाला मशीन के बारे में, हम आए हैं यहाँ पर बात करने। तो पहले अंदर में चलते हैं, यहाँ के कर्ता धर्ता राहुल जी है, वो क्या कर रहे हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। बहुत सारी मशीन, इधर पल्वराइजर की मशीनें हैं, इधर आटे की मसाले की मशीनें हैं। राहुल जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज हम एक बार फिर से आपके पास पहुंच गए हैं लाइव डेमो लेने किसी एक मशीन का। जी जी बिल्कुल, आप तो आए हैं, जो भी मशीन बोलेंगे हम दिखा देंगे आपको। पहले आपके हम देख चुके हैं बड़ी पल्वराइजर मशीन का डेमो हम कर चुके हैं, साइक्लोन वाला कर चुके हैं, एयरलॉक वाला भी कर चुके हैं। तो अभी इस बार हम चाहते हैं कि आप मसाले वाले मशीन का डेमो करके दिखाएं। बिल्कुल दिखा देंगे, जैसा कि हमारा कंपनी का नाम ही है गोकुल बिजनेस सॉल्यूशन, काम ही है सॉल्यूशन करना, तो हमने हर मशीन का डेमो करके दिखाना है कस्टमर को। और आप कह रहे हैं कि मसाला मशीन का डेमो करके दिखाइए, तो हम वो भी करेंगे। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि मसाला मशीन चलाते हैं तो एयर बनता है या फिर पिसने में परेशानी होती है, तो कहाँ तक होती है। ये हमारा तो स्टोर है, स्टॉकिंग है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग का सेगमेंट लगा हुआ है। चलिए हम वहाँ पे आपको चला करके भी दिखाएंगे। कितने HP तक का मसाला मशीन आपके पास अवेलेबल वैसे हो जाता है? मसाले मशीन मेरे पास है 3 HP, 5 HP, 7.5 HP एंड 10 HP, ये 4 मॉडल में हमारे पास है। 10 HP तक अगर प्रोडक्शन की कैपेसिटी की अगर राहुल जी बात करें, हाँ, तो 3 HP में क्या रहेगा और 10 HP तक में क्या रहेगा सब में बताते चलें। 3 HP में 25 से 30 किलो का प्रोडक्शन आ जाएगा, कोई भी मटेरियल हो उसके हिसाब से। हल्दी थोड़ा सा हेवी होता है तो वो 25 किलो का आ जाएगा, बाकी है मिर्ची है, धनिया है, ये सब 30 किलो का नॉर्मली प्रोडक्शन करता है। और मैक्सिमम अगर 10 तक लेके जाते हैं तो वो आपको 90-100 किलो तक का प्रोडक्शन प्रोवाइड करा देगा मशीन, बिल्कुल एक बार में फाइन ग्राइंडिंग करके। एक बार में करा? जी जी बिल्कुल। लोग तो कहते हैं कि एक बार में करा देगा, लेकिन बहुत सारे लोग कहने कि एक बार में नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं है, हम इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे, कस्टमर को हम प्रूव करके ही देते हैं मशीन। तो इसके लिए हम आपको स्टार्ट करके चला करके, हमारा ये मशीन अभी जो सेटअप देख रहे हैं 5 HP में भी एडजस्ट किया है। ये 5 HP का है? जी जी, ये 5 HP पे मेरा सेगमेंट रेडी है, हम इसको अभी ऑपरेट करके आपको नॉर्मली दिखा सकते हैं। इसको चलाना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्टार्ट करना भी आसान, चलाना भी आसान, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे मोटर लगाना कितना मुश्किल, क्योंकि जो पल्वराइजर में पहले देते थे कि नीचे मोटर है, ऊपर उसका सारा, ऊपर से नीचे लगाना, वो अलाइनमेंट कुछ हद तक इजी था, लेकिन ये सामने सामने वाला मुश्किल रहता है या फिर ये आसान रहता है? बिल्कुल कुछ नहीं, इसको हमने खुद अपने हाथों से किया है सेगमेंट क्वालिटी। ये आपने खुद से ही किया है? जी जी बिल्कुल। ऑपरेट करना कितना मुश्किल है? ऑपरेट करना तो इसमें कुछ है ही नहीं, हमारे पास जो मशीनें हैं फुल सेटमेंट में जाती है, एक मोटर अलग से अगर जाएगी, सिर्फ मोटर को इस पैनल पे कसना है, फाइन वेट सामने सामने करके सीधा होना चाहिए, बस कस देना है, उसके बाद कुछ नहीं, इसमें लाइन का कनेक्शन देना है, स्विच ऑन करना, चलाना है। जैसा कि हमारा मशीन यहाँ पर स्टेबल है और हमारा स्टार्टर थोड़ा दूरी में हम लगा रखे हैं, क्योंकि हमारा मशीन सब यहाँ पर रनिंग रहता है, तो हम वहाँ से स्टार्टर का स्विच ऑन करेंगे, मशीन यहाँ रेडी हो जाएगी और बिल्कुल हम नॉर्मली इसको अभी आपको पीस करके दिखा देंगे। इसमें बाकी बातें हम करेंगे, पहले मशीन को स्टार्ट करवा के चलवा के देखते हैं कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। और बिजली का कनेक्शन वहाँ से दे रखा है उन्होंने, ये हमारा स्टार्टर है और ये स्टार्टर है, स्टार्टर में हमारा ग्रीन कलर का स्टार्ट बटन होता है जी, जैसे हम ग्रीन बटन को क्लिक करेंगे हमारा मशीन चालू हो जाएगा जी, और हम ये क्लिक कर रहे हैं, देखिए हमारा मशीन चालू हो चुका है। रही बात की कस्टमर लोग बोलते हैं कि एयर बन रहा है, चालू हो गई है, वहाँ पे जैसे उन्होंने ग्रीन बटन दबाया मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और साउंड की बात करें तो सर साउंड कोई विशेष बहुत ज़्यादा साउंड है नहीं, यहाँ पे हल्दी रखा, हल्दी पीस के दिखाने वाले हैं। बिल्कुल ये हल्दी है, हल्दी सबसे हेवी होता है, लोगों का कहना है कि हल्दी पीसने में हमें बहुत परेशानी होती है, हमने ये हल्दी रख रखा है। लोगों का कहना होता है हल्दी पीसने में बहुत परेशानी होती है, वो चीज़ भी हम आज देख लेंगे सर। छोटे पैमाने पर इसीलिए हम इसको पीसेंगे कि लोगों का कहना है कि हम 100-200 ग्राम का पिसाल कैसे करें, ये हमारा देख रहे हैं कि इसमें कितना वजन होगा, बस इतना ही हल्दी हम पीसेंगे और बिल्कुल ये प्रॉपर पिसाल लेंगे। ये हमारा सेगमेंट, हमने यहाँ से गेहूँ को पीसने का तरीका कैसा रहता है दोस्तों आप देख सकते हैं,
कैसे इसमें पिसाई किया जाता है हल्दी का, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर खोलना है, धीरे धीरे हल्दी अंदर जाएगी, उसके बाद जो है आपको आराम आराम से चलाना है। आप नीचे एक बार नीचे भी दिखा दीजिएगा फाउंडेशन वगैरह किस प्रकार का है, तो ये ऐसे ही फर्श पे इन्होंने रख रखा है और हल्दी देख सकते हैं। अच्छा, इतना तेज़ी आप पिसाई अंदर हल्दी डालते हैं, उतना तेज़ी पिसाई हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा हल्दी ख़त्म हो चुका है, हमारा हल्दी ख़त्म हो चुका है। अच्छा, हल्दी ख़त्म भी हो गया उतना? बिल्कुल दोस्तों, हल्दी ख़त्म भी हो गया है और अब हल्दी ख़त्म हो गया है। क्वालिटी भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, अभी आपको हमारे हल्दी पिसाई ख़त्म हो चुका है, बस अच्छा हमारा स्टार्टर थोड़ा दूर है, हम बंद करवाते हैं जी, और इसके बाद हम इसका क्वालिटी भी आपको चेक करवाते हैं। क्वालिटी भी हम दोस्तों भी आपको हम चेक करवा के देते हैं कि कैसा क्वालिटी रहता है। यहाँ पे आया है सारा, ये साइक्लोन के थ्रू यहाँ पे आ गया है जी, तो हम ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे और हम आप हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि कैसा क्वालिटी आया है। और एक बार में आप जो के दावा करते हैं कि एक बार में आएगा पीस करके, ये अभी हमने पिसा है, अभी हमने इसको खोला भी नहीं है, जो पिसाई हुआ इसी के अंदर है जी। जैसा कि आपने देखा है कि हमने 100 ग्राम के आसपास ही पिसाई किया है जी, जी। और 100 ग्राम में छोटा बड़ा मशीन लोग कहते हैं कि साइक्लोन में चिपक जाता है। कम से कम कितना इसमें एक बार में पीस सकते हैं 100 ग्राम में, इसे लेकर के मान लीजिए ज्यादा तो हम आराम से पीस सकते हैं जी, कम से कम भी पिसाई किया जा सकता है? कम से कम भी हम पिसाई करके दिखाते हैं कस्टमर को, इसीलिए कि कस्टमर जो बोलते हैं, बहुत सारे लोग हमसे सवाल किए हैं 100-200 ग्राम के आसपास ही अपने पिसाई कराया अभी, तो कस्टमर बोलते हैं कि हमारा 100-200 ग्राम का अगर कस्टमर आएगा तो हम क्या करेंगे, तो उनके लिए ही हमारा ये है कि आप 100 ग्राम भी पीस सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जल जाता है, उड़ जाता है, तो पल्वलाइजर सेक्शन में ये काम नहीं है कि कोई भी चीज़ जलता है, जलन नाम का इसमें चीज़ ही नहीं है, कोई शॉर्टेज वगैरह का कोई समस्या ही नहीं है, कोई शॉर्टेज वगैरह का समस्या नहीं है। ये हमारा हल्दी का पाउडर बन चुका है, आप देख सकते हैं, और एक बार में एकदम बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग। कितने नंबर का जाली आपने यूज़ किया है वैसे? मैंने जो जाली यूज किया है, ये जाली का नंबर है आपका 2 नंबर, 2 नंबर जाली जी, इससे भी नंबर पे अगर करेंगे तो और भी पाउडर हो जाएगा, इससे भी मैं ही कर सकते हैं, लेकिन इससे मैं ही करने का क्या जरूरत है, आप देख सकते हैं कि ये पाउडर है जी, एक पाउडर का ये शेप ले रखा है, इससे भी फाइन ग्राइंडिंग आप क्या कर सकते हैं आप? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर कस्टमर चाहे कि हम इससे बारीक करें या फिर इससे मोटा करें, तो वो जाली के हिसाब से, वो जाली के हिसाब से हो जाएगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने जितना अभी रखा है हल्दी, जितना मैंने उसमें डाला है जी, कहीं अगर आपको कम लग रहा हो तो आप वेट करके भी चेक कर सकते हैं। नहीं, और पिसाई का बेसिकली हमें क्वालिटी ही चेक करना था। और 5 HP में अगर हम बात करें राहुल जी, जी 5 HP में बात करें तो कितना प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं? घंटे का 40-50 किलो नॉर्मली प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग आपके ऊपर है। धनिया के बारे में बहुत शिकायत रहता है कि धनिया का पिसाई सही से नहीं हो पाता इस मशीन में, इस बात में कितनी सच्चाई है? हर एक मसाला के लिए ही स्पेशल मसाला मशीन बना है, मसाला कोई भी हो वो पिसेगा ही, बसरते चलाने के लिए किसी भी कस्टमर को। इसमें एक और सिस्टम होता है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, सिर्फ मशीन ले जाते हैं, मोटर लगाते हैं, चला देते हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट का भी सेक्शन है जो बना हुआ है इसमें, उस पर अगर ध्यान देंगे तो होगा। जैसे मशीन तो पूरा स्टेबलिश रहता है जी, कस्टमर को पता नहीं होता है कि एडजस्टिंग कहाँ से करना है, एडजस्टिंग इसमें कुछ नहीं, जाली जैसा आपने लगा दिया है जी, उसके बाद ये ढक्कन जो लगा हुआ है यही एडजस्टर है हमारा, इसको नॉर्मली हम लोग अप एंड डाउन एक कोई भी छोटा चीज़ की मदद से कर सकते हैं और नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इससे एयर जाता है जी, जी। और एयर के कारण पूरा जो भी मटेरियल है कहीं कुछ शॉर्टेज नहीं होता है, पूरा निकल जाता है। ये पूरा अगर बंद रहता है तो लोगों का कहना है कि रह जाता है, तो हो सकता होगा कि उस जगह पे जब वो बंद रहता होगा तब वहाँ पे कुछ ना कुछ मसाला 10-5 ग्राम अटक सकता है। अच्छा, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आए, खुद के अपना मसाला लेकर के आए, वो कहे कि आप हमको ये पीस करके दिखाइए, वो दिखा सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारा काम ही है, गोकुल बिजनेस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि प्रॉब्लम उनको जो भी आ रही है, शिकायत उनको जो भी लग रही है, हमारे पास आएँ और उस शिकायत को दूर करें, उसके बाद ही मशीन को लेके जाए। दोस्तों, आपके पास कोई भी मसाला हो, अपना प्रोडक्ट खुद का पिसाई करके चेक करना चाहते हैं, डेमो करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं। अच्छा, इस मशीन को लेकर के अगर कोई मसाले का उद्योग लगाना चाहे प्रॉपर तरीके से, जैसा कि आजकल उद्यमी योजना वगैरह भी चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार की तरफ से मशीन लगाने की, तो मसाला उद्योग करने के लिए शुरू करने ये मशीन कितना सही है? बहुत ही अच्छी है, और मार्केटिंग में काम करेंगे आप तो पत्थर वाली से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। पत्थर वाली से कहीं ना कहीं हम बार बार भी बोलते हैं आपको कि पत्थर अगर होती है तो मोटे पत्थर होती है तो किसी का घिस जाता है तो वो हम ही और आप कोई भी हो, कस्टमर हो, वो लोग खा जाते हैं जी। वो पत्थर हम और आप ग्रहण कर रहे हैं, इस चीज़ में तो वो चीज़ है नहीं। इसमें एक छोटी सी जाली लगती है, अभी हमने पिसाई किया, जाली से पिसाई किया, इतना क्वालिटी बढ़िया आ गया। इसमें तो जाली आया नहीं है घिस करके जी, बिल्कुल इसमें जाली टूटता है, घिसता नहीं है।
अच्छा, इसमें जाली टूटता है घिसता नहीं जी। मेंटेनेंस इसमें क्या क्या आता है? इसमें मेंटेनेंस में कुछ है ही नहीं, बस एक जाली है। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरा मशीन जो हमारा बना हुआ है जी, ये नॉर्मली तरीके से टोटल चीज ये मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, जो इसमें सिर्फ एक जाल ही गड़बड़ होती है। बाकी इसमें हैमर लगा हुआ है, हैमर तो टूटती नहीं है, हैमर का काम तोड़ना है, टूटना नहीं है जी। और बाकी आपने अभी हल्दी का हमने पिसाई किया है, जाली हमारा जो दो नंबर का लगा हुआ है देख सकते हैं, इससे भी मही जाली आती है और इससे भी मोटी जाली आती है। अच्छा, अंदर तो एक बार ये चैम्बर हो गया, ये जी ये चैम्बर हो गया। आप इसमें देख सकते हैं कहीं कोई मसाला बचा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर है ये। और यही हैमर और यही कटर अभी उस हल्दी को तोड़ा है और पीसा है। ये हमारा चैम्बर में बना हुआ है, चैम्बर में दांता लगा हुआ है, कहीं चिपका हुआ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ तक कि जाली में भी चिपका हुआ नहीं मिलेगा आपको। जाली के नीचे मशीन के सेक्शन में भी यहाँ से देख सकते हैं कि कहीं पाउडर बचा हुआ नहीं है। शॉर्टेज का इसमें गारंटी ही नहीं है कि शॉर्टेज जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक बार में क्लीन करके बाहर रख देता है, निकाल देता है। मतलब पैकिंग क्षेत्र में आने के लिए मशीन बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल मार्केट में एक दूसरे से टक्कर लेके आप बेच सकते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें कि जो लोग लोन करवाना चाहते हो, उनको जो भी कागजी प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए, उसमें गोकुल बिजनेस सॉल्यूशन कितना मदद करता है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए गोकुल बिजनेस सॉल्यूशन से आप जब भी संपर्क कीजिए, हमारा दिया गया नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उस पर आपको सॉल्यूशन पूरा देंगे। जहाँ तक की बात है कोटेशन का, कोटेशन आप जब मांगे तब प्रोवाइड हम कराएंगे। हमारी जो मशीनरी है उससे रिलेटेड जो भी होगी, जो कि हम करके देंगे उनको। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन हमारी कंपनी शुरू से अभी तक फ्री देते आ रही है और फ्री ही देगी। कहाँ तक, कहाँ कहाँ के लिए? पूरे इंडिया में कहीं भी हो, यहाँ तक कि नेपाल भी अगर जाना हो तो भी हमारा वहाँ पे हमारा इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक चलती है, तो वहाँ तक भी हम भेज सकते हैं। तो मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप ट्रांसपोर्ट फ्री कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर को एज ए गिफ्ट हम दे रहे हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कम से कम, जैसे कि आपने 3 HP के बताया, तो कम से कम और मैक्सिमम कितने तक इन्वेस्टमेंट आपके पास है मसाले की मशीन में अगर बात करें तो? कम से कम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जो सेक्शन है, मतलब मशीन का तो क्वालिटी सेम होता है, मोटर का क्वालिटी अप एंड डाउन होता है, उसके हिसाब से रेट अप एंड डाउन हो जाता है। तो जो कस्टमर लेना चाहते हो हमको कॉल करें, मशीन का फोटो, कंपनी का मोटर चाहिए वो हम बताएंगे उनको, उसका ऐड करके टोटल कैलकुलेशन हम उनको बताएंगे, उसके बाद वो ले लेंगे मशीन हमारे यहाँ से। तो फिर पैसे आप कैसे, जो लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं वो जो विजिट करके आते हैं वो तो ठीक है, पैसे पेमेंट करके मशीन लेके जाएंगे, लेकिन जो ऑनलाइन अगर मंगवा रहे हैं तो फिर उनसे कैसे पेमेंट लेते हैं? ऑनलाइन के लिए बहुत सिंपल सी बात है, जो भी मशीन वो चूज करेंगे, कोई भी मशीन हो, उसका एक रेंज है, रेट है, हम उनको बताएंगे, वो सेलेक्ट कर लेंगे जब मशीन की हमको ये मशीन चाहिए, उस बिल अमाउंट का 20% अमाउंट हमारे कंपनी अकाउंट में जमा कराएंगे, बाकी का 80% COD कैश ऑन डिलीवरी के अमाउंट में हम उनको भेज देंगे यहाँ से। वो COD अमाउंट उनके दरवाजे पे जैसे ही मशीन पहुँचेगी, जो बंदा लेकर के जाएगा उनके दरवाजे पे मशीन, उस बंदे को कैश हो, ऑनलाइन हो, जैसे भी वो पे कर सकते हैं, जिसमें वो सक्षम है नॉर्मली कर सकते हैं। वो कस्टमर के शेड्यूल के लिए किया गया कि उनको ज़्यादा दूरी से कोई है, उनको आने में परेशानी ना हो, और मशीन उनको जो भी है क्वालिटी में हम प्रोवाइड कराएं। हमारे गोकुल बिजनेस का यही एक मेन मकसद है कि हर इंसान को, हर एक कस्टमर को क्वालिटी में मशीन दे और क्वालिटी में काम करने का उनको भी मौका मिले, ताकि वो कहीं पे कंपटीटर एक बन के तैयार हो जाए। तो दोस्तों, गोकुल बिजनेस सॉल्यूशन से संपर्क करने के लिए नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप उस नंबर पे अभी कॉल करें, अभी बात करें, जानकारी ले, ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। विजिट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप कहीं से भी आते हैं तो NH 22 जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर को जाती है, तो उसके बीचों बीच एक टोल प्लाजा आपको आएगा, टोल प्लाजा के नज़दीक में ही आके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको वहाँ से पिकअप करवा सकते हैं और आप इजीली भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए आइडिया, किसी नए रोज़गार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।